ओके गुड सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास सो वी हैव नाउ मूव टू अवर चैप्टर नंबर टू विच इज़ पाइथन पांडास टू पाइथन पांडास वन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे सोल्व क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे अब जो उसमें अनसॉल्व क्वेश्चन का पार्ट है ना वो अनसोल्व क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही होंगे जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं अदर uh, देन that अगर कुछ वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अपन उनको डिस्कस कर लेंगे ठीक है क्योंकि वो पूरा अगर डिस्कस करने बैठ गए तो समझ लीजिए कि तीन चार क्लासेस तो वहीं कंज्यूम हो जाएंगी तो इसीलिए वो आप लोगों को खुद से देखना पड़ेगा सॉल्व क्वेश्चन विल हेल्प यू अर लॉट कि अनसॉल्व क्वेश्चन कैसे होंगे uh, उसको आप सॉल्व क्वेश्चन से समझ सकते हो सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर सेकेंड चैप्टर विच इज पाइथन पांडास सेकेंड अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है तो हम वो थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो पाइथन पांडा सेकेंड में कहीं ना कहीं हम सीरीज़ और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे बट स्टिल देर आर सम मेजर थिंग्स दैट वी हैव टू गो थ्रू सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम तो आज की क्लास में तो हम यही देखने वाले हैं हाउ टू इटरेट अ डेटा फ्रेम क्या होता है इटरेट करना और कैसे करते हैं दैट वी विल सी other than this the next topic that we have to see in this uh, chapter is binary operations in data frame kaise hum koi binary operation is pe perform kar sakte hain wo bhi jab aayega tab clear ho jayega descriptive statistics with pandas pandas की कुछ descriptive uh, statistics uh, कैसे देखी जा सकती हैं वो हम देखेंगे स, आ, कुछ फंक्शंस और फंक्शनैलिटीज़ जो अभी रह गए हैं इतना सब देखने के बाद भी उनके बारे में देखेंगे और कुछ और एडवांस्ड ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन डेटा फ्रेम वेल ऑल्सो बी सीन और फिर मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं दो डेटा फ्रेम्स को कैसे कंबाइन करते हैं और एक ग्रुप बाय करके एक फंक्शन होता है वो ग्रुप बाय फंक्शन कैसे क्यों और क्या करता है आ, वो हम देखेंगे राइट सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू गो थ्रू इन दिस क्लास इन दिस चैप्टर बट इन टूडेज क्लास द टॉपिक दैट वी विल बी गोइंग टू स्टडी इज अबाउट इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम ठीक है तो अभी पिछली क्लास में वी हैव ऑलरेडी सीन वॉट टू डेटा स्ट्रक्चर आर द फर्स्ट वन इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर द अदर वन इज डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर उसमें हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वॉट आर द वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग सीरीज डेटा स्ट्रक्चर उसके बाद हमने देखा वॉट आर डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर कैसे हम डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं वो देखा आफ्टर दैट वी ऑल्सो सॉ द वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम इन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर देन बोथ डीज डेटा स्ट्रक्चर हैड सम समीब्यूट सो ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट आफ्टर दैट वी हैव सीन वेरियस फंक्शंस वेरियस प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दैट

डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वन डायमेंशनल होता है और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर मल्टी डायमेंशनल होता है ये यह यहाँ पर जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है उसको यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है नाउ द टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज़ अबाउट इटरेटिंग ओवर अ डेटा फ्रेम इटरेट करना है किसी डेटा फ्रेम में अगर मेरे पास मैं आपसे बात करूं मेरे पास ये एक डेटा फ्रेम है अब मुझे इस डेटा फ्रेम की सारी वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट एक, करना है तो ऐसा तो है नहीं कि इस लाइन के एक लिए एक लाइन ऑफ कोड लिखूंगा फिर इस लाइन के लिए एक एक लाइन ऑफ कोड इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए ऐसे करते करते हर एक वैल्यू के लिए मैं एक लाइन ऑफ कोड लिखूंगा ऐसा तो नहीं किया जा सकता तो ये अगर मुझे एक वैल्यू से दूसरी तरफ इटरेट करना है और फिर आगे इटरेट करना है मतलब मूव करना है या किसी वैल्यू को बार बार रिपीट करना है किसी एक पैटर्न को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हमें सेम लाइन ऑफ कोड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर हम लोग उसको इटरेट फंक्शन का इटरेट कर कर मतलब कि रिपीट कर कर यूज़ कर सकते हैं अब ये कैसे होता है तो इसके लिए हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है कौन कौन से हैं वो फंक्शंस तो पहला है आई टी ई आर रोज़ फंक्शन और दूसरा है आई टी ई आर आइटम्स फंक्शन ठीक है तो ये दो फंक्शन है जिनका हम यूज करेंगे सिंपल सी बात है आई टी ई आर रोज फंक्शन है तो वो किनको एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये रोज को एक्सट्रैक्ट करेगा रोज मतलब क्या रोज मतलब हॉरिजोंटल वैल्यूज है ना रोज मतलब क्या तो हॉरिजोंटल वैल्यूज़ हॉरिजोंटल वैल्यूज़ को अगर एक के बाद एक मुझे एक्सेस करना है तो मुझे वहां पर यूज़ करना पड़ेगा आई टी ई आर रोज फंक्शन सिमिलरली अगर मुझे कॉलम्स को इटरेट करना है एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम फिर अगले का एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम सिमिलरली फॉर द थर्ड कॉलम तो इस तरीके से अगर मुझे इटरेशन करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा आई टी आइटम्स कॉलम फंक्शन अब देखते हैं थोड़ा सा डेप्थ में कि ये फंक्शंस होते क्या हैं थोड़ा सा ध्यान से समझना ये थोड़ा सा अब हम पाइथन पांडास के एडवांस्ड टॉपिक्स uh, के तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें समझने जैसी यहाँ पर रहेंगी आवाज़ आ रही है yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले आई रोस फंक्शन क्या करता है आई टी आर रोज फंक्शन मैंने बताया हॉरीजोंटली वैल्यूज को इटरेट करता है आई टी आर आइटम्स वर्टिकली वैल्यूज को इटरेट करता है अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि वैल्यूज को इटरेट करता है और वर्टिकली इटरेट करता है कैसे करता है वो जस्ट अभी कुछ देर में हम देखेंगे अब जब ये इटरेट फंक्शन हम लगाते हैं जैसे कि आई टी आर रोज हमने इटरेट फंक्शन लगाया तो इसमें एक फॉर्म होता है जो हमें यूज करना पड़ता है और वो फॉर्म क्या है अभी हम क्या कर रहे हैं आई रोज तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमें जरूरत पड़ेगी रो के इंडेक्स की कॉमा और दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी सीरीज सीरीज मतलब कौन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर है तो ये कहलाएगी सीरीज सेम अगर मैं बात करूं आईटीआर आइटम्स की तो ये भी एक फॉर्म फॉलो uh, करता है वो फॉर्म क्या होता है तो ये यहाँ पर क्या वैल्यूज़ कंटेन करता है तो ये कंटेन करता है कॉलम का इंडेक्स क्योंकि हम कॉलम पे वर्क करेंगे तो ये कॉलम के इंडेक्स को कंटेन करता है दूसरी चीज़ क्या कंटेन करता है तो दूसरी चीज़ कंटेन करता है सीरीज ठीक है तो ये दो चीज़ों का यूज करके हम इटरेशन कर सकते हैं रो इंडेक्स और सीरीज और आई आइटम्स के लिए कॉलम इंडेक्स और सीरीज कैसे करेंगे ये अब हमें देखना पड़ेगा तो देखो अगर इतनी चीज़ क्लियर है कि अब मुझे अगर रोज़ को इटरेट करना है हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ को इटरेट करना है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा आई टी ई आर रोज़ फंक्शन आई टी ई आर रोज फंक्शन एक पैटर्न फॉलो करता है और वो पैटर्न जो होता है उस पैटर्न में मुझे रो इंडेक्स और सीरीज की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी मैंने पेन यूज लिया रो इंडेक्स और सीरीज का यूज करता है, for, uh, so, जो है वो कॉलम इंडेक्स और सीरीज को एक्सेस करता है इतनी चीज अगर हमें क्लियर है तो अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं उस प्रोग्राम में इन्होंने बताया है कि हम कैसे आई टी आर रोज फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं अब देखो यूजिंग आई टी आर रोज फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम रो वाइज रो वाइज डेटा एक्सट्रैक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यही डेटा फ्रेम हो तो हम इसके हर एक कॉलम को हर एक रो को इट आई टी आर रो करना है ना तो हरेक रो को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब पहले कौन सी रो एक्सट्रैक्ट करेंगे क्यू टी आर वन ठीक है यहाँ से देखते हैं पहले हम कौन सी रो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पहले हम क्यू टी आर वन को एक्सट्रैक्ट करेंगे न को एक्सट्रैक्ट करेंगे और क्यू टी आर वन के अंदर जो सीरीज की वैल्यूज होंगी उनको डिस्प्ले करेंगे फिर हम क्यू टी आर टू को एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर उसके अंदर जो सीरीज है उसको है, डिस्प्ले करेंगे क्यू टी आर थ्री को डिस्प्ले करेंगे और क्यू टी आर थ्री के अंदर क्या वैल्यूज उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड सेम गोज फॉर क्यू टी आर फोर तो मुझे चारों के लिए अलग अलग फंक्शन लिखने की अलग अलग लाइन्स ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है अ सिंगल लाइन ऑफ कोड कैन डू हेल्प अस टू इटरेट द वैल्यूज एक ही बार फंक्शन लगाओ और पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को इटरेट कर लो या लूप लगा दो या रिपीट कर लो कैसे कर लो तो चलो इसको अब हम देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं तो देखो सबसे पहले तो हमें ये डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा अब ये अगर डेटा फ्रेम बनाना है तो सबसे पहले तो क्रिएशन के लिए हमें डिक्शनरी फंक्शन फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे तरीके हैं क्रिएट करने के हमने डिक्शनरी फंक्शन का यूज़ किया ठीक डिक्शनरी फंक्शन में हमने क्या किया एक वेरिएबल ले लिया डी आई सेल्स हम डी वन ए वन ए टू ए थ्री कुछ भी ले सकते हैं इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है इस फंक्शन के अंदर हमने की वैल्यू पेयर में वैल्यूज़ डाल दी जितनी आ, मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी है आप देखो यहाँ पर ये वाई आर वन जो है ये मेरा की है आ, उसके बाद वाई आर टू जो है वो मेरा की है वाई आर थ्री जो है ये मेरा की है जो मेरे कीज़ हैं वो कीज़ जो मेरे होंगे वो सारे के सारे क्या कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो जो मेरे कीज़ हैं उसमें क्या वैल्यूज़ हैं वाई आर वन वाई आर टू वाई आर थ्री ये वैल्यूज़ हैं अब वाई आर वन जो है ये एक डिक्शनरी है वाई आर वन एक डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं और इस डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो क्या हैं तो वो हैं क्यू टी आर वन रो का नाम और उस रो में कौन सी वैल्यू है कॉमा क्यू टी आर टू रो का नाम और उसमें कौन सी वैल्यू है क्यू टी आर थ्री रो का नाम और उसमें कौन सी वैल्यू है और क्यू टी आर फोर और क्यू और जो भी उसमें वैल्यूज़ हैं ये मैंने स्टोर कर दी। मतलब मैंने कितना एक लाइन लिख कर मैंने ये ला दिया ये मैंने क्रिएट कर लिया अब वाई आर टू तो वाई आर टू में क्या होगा क्यू टी आर वन और उसकी वैल्यू क्यू टी आर टू उसकी वैल्यू क्यू टी आर थ्री उसकी वैल्यू क्यू टी आर फोर उसकी वैल्यू मतलब मैंने क्या कर लिया मैंने इसको भी डिस्प्ले कर लिया नेक्स्ट थिंग गोज़ फॉर ये वाई आर थ्री वाई आर थ्री में भी क्यू आर क्यू टी आर थ्री क्यू टी आर टू क्यू टी आर वन क्यू टी आर फोर सब मैंने डिस्प्ले कर लिया तो यहाँ पर मुझे वाई आर फोर भी डिस्प्ले हो गया मतलब मैंने क्या किया एक डिक्शनरी फंक्शन का यूज़ करके ठीक है एक डिक्शनरी फंक्शन डिक्शनरी डेटा टाइप का यूज़ करके मैंने सिंपली यहाँ पर इस डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया तो ये थोड़ा सा आप लोग देखना कि ये डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट हुआ है ठीक है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे हुआ है क्योंकि हमें इंडेक्स के भी नाम देने थे तो इंडेक्स के भी नाम देने थे तो इन्होंने इस तरीके से डिक्शनरी डेटा फ्रेम का यूज़ करके उसको क्रिएट किया हुआ है अल्टीमेटली एट द लास्ट इन्होंने क्या किया जब सारी चीज़ें क्रिएट हो गई तो इन्होंने यहाँ पर पी डी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन लगा दिया इस डी आई सेल्स के ऊपर और जैसे ही इस डी आई सेल्स पर डेटा फ्रेम फंक्शन लगाया हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया ये तो ही डेटा फ्रेम क्रिएशन की बात ये हमारा मेन मोटिव नहीं था हमें क्या करना था तो हमें करना था कि ये जो आई टी या रोज फंक्शन है वो कैसे यूज होता है हमें वो देखना था तो हम अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है अब जब मुझे किसी वैल्यू को इटरेट करना है जब मुझे किसी वैल्यू को लूप चलाना है जब मुझे किसी वैल्यू पे वैल्यूज को बार बार रिपीट करने का काम करना है तो उस समय पर मुझे एक खास चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो खास चीज का नाम है फॉर मुझे फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे क्यू टी आर वन अगर मैं इस डेटा फ्रेम की बात करूं तो मुझे क्या करना है यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर इस डेटा फ्रेम में क्यू टी आर वन के अंदर जो वैल्यूज है उनको डिस्प्ले करना है फिर क्यू टी आर टू के अंदर जो वैल्यूज है उनको डिस्प्ले करना है फिर क्यू टीआर थ्री के अंदर जो वैल्यूज है उनको डिस्प्ले करना है फिर क्यू टी आर फोर के अंदर जो वैल्यूज है उनको डिस्प्ले करना है मतलब मुझे इटरेट करना है मुझे बार बार एक एक बार कोड ना लिख एक बार के कोड लिख मुझे अलग अलग जगहों पर मेरे प्रोग्राम को मूव करवाना है ऑटोमेटिकली तो मुझे फॉर लूप की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी वैल्यूज़ को इटरेट करवाने के लिए अब फॉर लूप कैसे काम करेगा तो चलिए थोड़ा सा उसको समझना तो मैंने लगाया फॉर लूप ये लाइन जो है ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन हमें समझनी पड़ेगी ये मेन लाइन है जिसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इस इटरेट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं मैंने मार्क कर दिया ये एक मेन लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा समझो फॉर लूप मैंने लगाया फॉर लूप लगाने के बाद मैंने यहाँ पर जो इसका फॉर्म होता है वो फॉर्म लिख दिया आई टी आर रोज फंक्शन है तो रोज का फॉर्म होता है रो इंडेक्स कॉमा सीरीज़ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रो कॉमा रो सीरीज़ अब हमें ये चीजें कहाँ पर इटरेट करवानी है तो फॉर दिस दिस फंक्शन इन और डेटा फ्रेम का नाम तो डेटा फ्रेम का नाम क्या है तो डेटा फ्रेम का नाम है डी टी वन डॉट आई टी आर रोज फंक्शन ठीक है ये आपको लाइन समझनी है ये लाइन में क्या किया है मैंने मुझे वैल्यूज इटरेट करनी थी सो फॉर इटरेटिंग द वैल्यूज आई एम सपोज्ड टू यूज अ फॉर लूप अब फॉर लूप यूज करना है और मुझे ऑलरेडी पता है कि ये जो आई टी आर रोज फंक्शन है वो एक फॉर्म फॉलो करता है तो मैंने वो फॉर्म लिख दिया फॉर रो इंडेक्स कॉमा रो सीरीज कहाँ देखना है ये मुझे फॉर्म तो ये फॉर्म मुझे देखना है इसके अंदर आई टी आर रोज फंक्शन के अंदर जो कि डी एफ वन में है अब एक चीज़ और नोटिस करना आप जब फॉर लूप लगता है तो फॉर लूप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले करवानी होती हैं लिखनी होती है तो ये जो फॉर लूप लगा है इसके बाद आप देख पा रहे हो ये दो डॉट्स लगे हुए हैं इसको बोलते हैं कोलन और ये कोलन क्या रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अब एक ब्लॉक बनाने वाले हैं और ब्लॉक की खासियत ये होती है कि जो नॉर्मल हमारे कोड्स होते हैं उन नॉर्मल कोड्स से ये थोड़ा सा इंडेंट होकर लिखे जाते हैं ये होती है ब्लॉक की खासियत तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि ये जो यहां पर है ये जो फॉर लूप है ये फॉर लूप थोड़ा लेफ्ट में लिखा हुआ है और ये जो प्रिंट फंक्शन उसके अंदर लगाए हुए हैं वो थोड़े से इंडेंट किए हुए हैं मतलब थोड़े अंदर की तरफ लिखे हुए हैं क्योंकि फॉर लूप एक लूप uh, है जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज मुझे यूज करनी होती है तो यहाँ पर उसको मुझे इटरेट करना पड़ेगा मतलब इंडेंट करना पड़ेगा तो मैंने उसको थोड़ा सा इंडेंट कर कर लिखा हुआ है ठीक है लूप के बाद हमेशा कोई भी चीज होती है तो वो इंडेंट कर कर ही लिखी जाती है ये लाइन अगर हमने समझ ली तो मैंने अल्टीमेटली बाद में क्या किया है तो देखो आप यहाँ पर क्या किया हमने तो हमने यहाँ पर सिंपली रो इंडेक्स को प्रिंट कर लिया है वैल्यू जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा और कॉमा लगा के लिख दिया रो तो हमारा रो इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा फिर हमने एक और लाइन लिख दी कंटेनिंग हम चाहें तो लिख सकते हैं नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते उससे फर्क नहीं पड़ता ये आपके ऊपर है कंटेनिंग लिखेंगे तो कहाँ दिखेगा कैसा दिखेगा वो आउटपुट में हम देखेंगे उसके बाद हमने लिख दिया प्रिंट रो सीरीज मतलब तीसरी चीज़ उस दूसरी चीज़ उसमें क्या थी तो रो और रो सीरीज से मिलकर बना है तो मैंने रो ऑलरेडी प्रिंट कर ली थी यहाँ पर अब मैं किसको प्रिंट करूंगा तो मैं रो सीरीज को प्रिंट करूंगा अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगा दिया तो जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा थोड़ा सा समझना ये देखो आप जो आउटपुट आया है वो आउटपुट में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि सबसे पहले ये तो क्या है कि हमारा आई टी आर रोज फंक्शन है तो आई टी आर रोज फंक्शन रोज पे हॉरिजोंटली मूव करता है तो हमारी पहली रो का नाम क्या है तो हम वो देखते हैं हमारी जो पहली रो है उस पहली रो का नाम है अरे यार एक मिनट हमारी पहली रो का नाम है यहां पर आप देख सकते हो क्यू टी आर वन ये लिखा हुआ है सेकेंड रो का नाम है क्यू टी आर टू थर्ड का क्यू टी आर थ्री फोर्थ का क्यू टी आर फोर देखते हैं ये वहां पर कैसे फंक्शन करती है तो देखो यहाँ पर हमने डाला रो इंडेक्स यहाँ पर डाला रो इंडेक्स रो इंडेक्स की वैल्यू आ गई कंटेनिंग हमने लिखा था नहीं चाहते तो नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्यू टी आर वन हेडिंग आती उसके बाद आता कॉलम का नाम कॉलम का नाम था पहले वाई वन वायर वन की वैल्यू वाई आर टू ईयर टू की वैल्यू ईयर थ्री ईयर थ्री की वैल्यू तो ये होगा पहला फिर इटरेट होगा फॉर लूप लगाया है ना हमने तो ये फिर इटरेट होगा और इटरेट होते होते कहाँ तक जाएगा तो ये जाएगा आखिरी रो इंडेक्स तक और आखिरी रो इंडेक्स क्या है तो आखिरी रो इंडेक्स है क्यू टी आर फोर तो ये पूरा का पूरा मूव करते करते क्यू टी आर फोर तक जाएगा और क्यू टी आर फोर तक का ये इस तरीके का वायर वन वायर टू वायर थ्री वाला आउटपुट प्रिंट करेगा तो हमने क्या कर दिया <coughs> सॉरी हमने यहाँ पर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड ना लिखते हुए सिर्फ इतना ये एक लाइन को लिखा है और इस एक लाइन को लिख कर हमने ये मेजर आउटपुट जनरेट किया है डेटा फ्रेम क्रिएट करना लास्ट चैप्टर का टॉपिक था इसलिए हमने वो लाइंस को मेजर ना मानते हुए हमने इस पर्टिकुलर लाइन को जो अभी आपको यहाँ पर दिख रही है ब्लू कलर से मैंने उसको और हाईलाइट कर दिया ये जो लाइन दिख रही है ये मेजर लाइन है ये लाइन हमें यूज़ करना आना चाहिए फॉर रो रो सीरीज क्योंकि हम आई टी आर रोज लगा रहे हैं तो इन और इनके बाद डेटा फ्रेम का नाम डॉट आई टी आर रोज फंक्शन और कोलन कोलन इसलिए क्योंकि एक ब्लॉक बनेगा ब्लॉक बनेगा तो अगले नीचे के जो कोड्स होंगे वो इंडेंट होकर हमें थोड़े अंदर की तरफ लिखे हुए दिखेंगे तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इटरेट कर सकते हैं वैल्यूज को अब ये तो हुई एक बात इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में ये लोग ये बोल रहे हैं कि यहां पर जहां पर ये वाई आर वन वाई आर टू वाई आर थ्री ये लिखा हुआ आ रहा है ना ये ये ऐसा बोल रहे हैं कि यहां पर अगर आप ये नहीं चाहते अगर आप ये पहले चाहते हो कि रो इंडेक्स प्रिंट हो और रो इंडेक्स प्रिंट होने के बाद आप चाहते हो यहाँ पर वाई आर वन वाई आर टू ऐसा प्रिंट ना हो आप कुछ रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो तो आप वो भी प्रिंट कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर इसने इस प्रोग्राम में यूज़ करके बताया है एट पोजीशन वन या एट वन पोजीशन इन्होंने यूज़ किया है एट पोजीशन और उसके बाद आएगा एट पोजीशन वन तो वैल्यू आएगी पैंतालीस सौ ऐट पोजिशन टू तो वैल्यू आएगी फोर नाइन डबल जीरो पोजिशन थ्री वैल्यू आएगी फोर फाइव डबल डबल जीरो ये यहाँ पर एक डिजिट छुप गई है क्योंकि मैंने यहाँ पर यह मार्क कर दिया था तो मुझे अगर यहाँ पर ये नहीं करना हो मतलब कि इस तरीके से मुझे वाय आर वन वाय आर टू वाय आर थ्री ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ऐसा आउटपुट अगर मुझे नहीं चाहिए है तो मैं इस तरीके से भी आउटपुट जनरेट कर सकता हूं यह आप यहां पर देख सकते हो एट जीरो पोजिशन एट वन पोजिशन एट टू पोजिशन अब जहां ईयर वन ईयर टू ईयर थी आ रहा था अब यहां पर लिखा रहा है एट जीरो पोजिशन एट वन पोजिशन एट टू पोजिशन नीचे फिर एट जीरो पोजिशन वन पोजिशन टू पोजिशन तो इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ आ रहा है अब ये कैसे हुआ तो इसके लिए क्या हुआ ये जो हमारा मेन फंक्शन था वो फंक्शन तो सेम है ये जो लाइन है हमारी ये लाइन तो हमारी एक्जैक्टली exactly सेम है इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो रो कॉमर रो सीरीज ये फंक्शन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है अब हमने प्रिंट किया जो हम वहाँ पर प्रिंट कर रहे थे वही हम यहाँ पर भी प्रिंट करेंगे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ अब हम यहीं पर भी वही चीज़ को प्रिंट करेंगे मतलब क्या प्रिंट करना है हमें पहले रो इंडेक्स प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट रो इंडेक्स और रो इंडेक्स की वैल्यू डाल देंगे उसके बाद वो जो कंटेनिंग था लिखना हो तो लिखो नहीं लिखना हो तो नहीं भी लिख सकते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो सिंपली एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है अगली चीज काम की आती है यहां पर जो रेड कलर से अब मैं कर रहा हूं यहां से इंपॉर्टेंट बात आती है अब हमें यहां पर क्या करना पड़ रहा है अब यहां पर जो है हमको एक आई इज इक्वल्स टू जीरो एक वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा अब इस i इज इक्ल्स टू जीरो जो वेरिएबल है इस आई इजिक्वल्स टू जीरो के अंदर देखो यहाँ पर लाइन चेंज हो गई हाँ यहाँ पर i इज इक्वल्स टू जीरो के अंदर अभी हमने जीरो वैल्यू इसलिए प्रोवाइड करी है क्योंकि हम अभी एक भी जगह पर मूव नहीं करें हम अभी पहले इंडेक्स पर आएंगे पहले कॉलम नेम पे आएंगे फिर दूसरे कॉलम नेम पे आएंगे फिर तीसरे कॉलम नेम पे आएंगे इसलिए अभी हमने आई इजिक्वल्स टू जीरो लिखा है अब आप देखो एक फॉर लूप ऑलरेडी चल रहा है ठीक है एक फॉर लूप ऑलरेडी चल रहा है और अगर मुझे यहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखना है तो मुझे अब एक और फॉर लूप लगाना पड़ रहा है ठीक है ऑलरेडी टेक्स्ट इंडेंटिंग में चल रहा है थोड़ा सा अंदर की तरफ ऑलरेडी टेक्स्ट चल रहा है या फॉर लूप लगेगा तो और अंदर की तरफ मुझे लिखना पड़ेगा ठीक है तो अब मैंने फॉर लूप लगाया किस पर अब फॉर लूप लगाया हम किसको चेंज करना चाहते हैं रो सीरीज़ को जहां पर रो सीरीज में वायर वन वायर टू वायर थ्री आ रहा है मुझे वहां रो सीरीज़ की जगह पर कुछ चेंज करना है तो मुझे जब रो सीरीज़ में कोई चीज़ चेंज करना है तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है तो मैंने यहां पर लगाया है फॉर वेल इन रो सीरीज़ वेल की जगह आप कुछ भी ले सकते हो ए बी सी डी जो चाहे आप ले सकते हो फॉर वेल इन रो सीरीज़ ये एक फंक्शन लगाया और फिर प्रिंट किया अब जो चीज़ हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो चीज़ तो एज इट इज प्रिंट होती है तो हमने लिखा प्रिंट एट इन्वर्टेड कॉमा में तो एट एज इट इज़ प्रिंट हो गया फिर यहां पर कॉमा लगा के स्पेस देकर लिखा आई तो आई की वैल्यू क्या है अभी जीरो तो प्रिंट होगा एट जीरो फिर पोजीशन इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है तो पोजीशन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा तो क्या प्रिंट हो गया एट जीरो पोजीशन अब क्या प्रिंट करना है हमें वैल प्रिंट करना है मतलब वैल्यू प्रिंट करना है तो हमने यहां पर ले लिया वी एल को प्रिंट कर दिया अब वी ए एल में पहले केस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी थ्री फोर फाइव डबल जीरो ठीक है तो इस तरीके से यहां पर थ्री फोर फाइव डबल जीरो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी सिमिलरली अब अब क्या किया हमने अब हमारी आई की जो वैल्यू थी अब आई की वैल्यू हमने एक तो प्रिंट कर दी जीरो Next वैल्यू क्या आएगी तो वन आएगी तो अब वन कैसे होगी तो उसको लिखना पड़ेगा आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन जैसे ही हम लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन अब आई की वैल्यू हो गई वन फिर से यह लूप चला फॉर वेल इन रो सीरीज जब फिर से ये लूप चला तो इसमें हमने देखा कि अब एट वन पोजीशन लिखा आया और वैल्यू प्रिंट हो गई अब फिर से ये हो गया टू फिर आया एट टू पोजीशन और टू पोजीशन पे जो वैल्यू होगी फाइव फोर फाइव ज़ीरो ज़ीरो वो भी प्रिंट हो जाएगी तो इस तरीके से प्रोग्राम सेम रहेगा बस वहाँ पर ये लाइन लिखने से पहले प्रिंट वाली लाइन लिखने से पहले एक और लूप लगा देंगे अगर हम कॉलम नेम डिस्प्ले नहीं करना चाहते और रैंडम कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी पहली बार लाइफ में हम ऐसा कुछ देख रहे हैं ये बहुत नई चीज़ है हमारे लिए तो डोंट एक्सपेक्ट कि एक बार में ये हमें क्लियर हो जाएगी आपको इसे बार बार देखना पड़ेगा बार बार इसे समझना पड़ेगा कि ये क्यों किया कैसे किया ठीक है तो ये ज़रूरी है ये फर्स्ट टाइम हम ये सब चीज़ों को देख रहे हैं इसलिए ये थोड़ा सा आपको एक बार फिर से समझना जरूर पड़ेगा मैं अभी वीडियो भी भेज दूंगा शॉर्ट्स वाले तो वह आप उसको भी देख सकते हो अब सेम प्रोग्राम इन्होंने बनाया है अब बोला इन्होंने क्या कि अब आपको क्या करना है तो अब आपको यहाँ पर अब आई टी या रोज यूज़ नहीं करना है अब आपको यूज करना है आई टी आर आइटम्स प्रोग्राम पूरा का पूरा सेम रहेगा बस यहां पर ए फॉर लूप में वैल्यू चेंज हो जाएगी वहां पर हम रोस कॉमा रो सीरीज लिख रहे थे अब यहां पर लिखेंगे कॉल्स कॉमा कॉल सीरीज क्योंकि आई टी आर आइटम्स फंक्शन इन इस फॉर्म में वर्क करता है और फिर लगा दिया हमने वही प्रिंट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन के बाद कंटेनिंग लिखना है तो लिखें ना या तो ना लिखें और फिर अल्टीमेटली लगा दिया प्रिंट कॉल सीरीज कॉल सीरीज मतलब यहां पर जो कॉल सीरीज की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी सिमिलरली अगर सेम प्रोग्राम में हमें बोला होता कि इस तरीके से लिखना है एट रो एट रो वन एट रो टू एट रो थ्री अगर इस तरीके से मुझे लिखना है तो मैं वो कैसे लिख सकता हूँ अब ये क्या करेगा आउटपुट आप समझ रहे हो ये आउटपुट कैसा देगा अब यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है देख रहे हो आप यहाँ पर ऊपर जहाँ पर क्यू टी आर वन आ रहा था अब यहाँ पर वाई आर वन आ रहा है क्योंकि वाई आर वन हमारा पहला कॉलम है ये आप कैसे यूज़ करेगा तो अब ये वर्टिकली वर्क करेगा ना तो वाई आर वन फिर क्यू टी आर वन की वैल्यू देगा फिर क्यू टी आर टू की वैल्यू देगा फिर क्यू टी आर थ्री की वैल्यू देगा फिर क्यू टी आर फोर की वैल्यू देगा तो आप देख सकते हो आउटपुट में क्लियरली इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है अभी हमने रो देखा था इस बार हमने कॉलम देखा है इसलिए ये कुछ इस तरीके का आउटपुट जनरेट कर रहा है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इस तरीके से वैल्यूज प्रिंट होकर आएंगे ये वायर टू के लिए ये वायर वन के लिए ये वायर थ्री के लिए तो अब क्या हुआ है यहाँ पर ये हॉरिजोंटल ऑर्डर में मतलब कि कॉलम्स के ऑर्डर में ये वैल्यूज़ को प्रिंट करना है सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पर वो एट पोजीशन वन एट पोजीशन टू ऐसा कुछ लिखना है तो वैसा कुछ अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा जो आप वहाँ पर किए अभी पिछले प्रोग्राम में वही का वही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा मतलब ये जो चार लाइन्स हैं ये हमारे लिए अब काम की हो जाएंगी एक मिनट यहाँ पर पीछे दिया होगा इन्होंने मैं देखता हूँ यहाँ पर वाला प्रोग्राम हाँ इन्होंने यही वाला बना के बताया है और ऐसा एट रो ज़ीरो रो वन रो थ्री अच्छा इन्होंने यहाँ पर रो जीरो रो वन ही प्रिंट किया हुआ है क्योंकि वो रो ही है ना ठीक है वाला प्रोग्राम शायद मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है आज की पीडीएफ में यहाँ पर मैंने वाला प्रोग्राम इनपुट नहीं किया है बट हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी अगर आ, हमें यूज़ करना है वहाँ पर भी हमें ऐट पोजिशन वन एट पोजिशन टू ऐसा कुछ लिखना है जो हमने यहाँ पर लिखा जो हमने इस तरीके से लिखा किसके लिए रो सीरीज़ के लिए सेम हम आइटम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आइटम्स के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा ये जो आपने फंक्शन लगाया ये अभी रो सीरीज पर लगाया था अब ये फंक्शन किस पे लग जाएगा तो ये फंक्शन अब लग जाएगा कॉल सीरीज पर और बस कॉल सीरीज पे लगने के बाद बाकी तो कुछ चेंज होना नहीं है पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम टू सेम रहेगा बस इतना ही चेंज इसमें देखने को मिलेगा तो मैं आप लोगों को ये पी अभी ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ तो आप लोग इसको एक बार और देख लेना और शॉर्ट वीडियोज़ जो बनाए हैं वो तो मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ सो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था एंड आई बिलीव कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नहीं पूरा तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर से क्लियर हो गया होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर इन टॉपिक्स को हम पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हैं करते हुए तो ये एक बार में क्लियर हो जाए बेटा ये पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा आपको इसको अटेंशन देना पड़ेगा थोड़ा सा एक बार और इस टॉपिक को देखना पड़ेगा देन ओनली दिस थिंग विल बी अ बिट क्लियर टू यू ठीक है ये मैं बोल रहा हूँ होगा ही ऐसा इसलिए आप अब सोचो कि अभी मुझे क्लियर है आप एक बार वो शॉर्ट वीडियो ज़रूर से देखें या फिर इन टॉपिक्स का ये जो मैं मीटिंग अभी इसका भी वीडियो ग्रुप पर डाल दूँगा तो उसको भी ज़रूर से देखें क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आते ही हैं और हमें पता होना चाहिए ठीक है और रही बात सिलेबस की आज आप लोगों को ग्रुप पे सिलेबस मिल जाएगा मैं आज सेंड कर दूंगा आपको कि सिलेबस क्या रहने वाला है ठीक है सो so, स्टूडेंट्स कुछ डाउट्स हों जो आपको कुछ मेजर डाउट्स लग रहे हों जो आपको लगता है कि एक बार और रिवाइज़ करने के बाद भी जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हो और एल्स आप लोग एक बार रिवाइज करें और फिर मुझसे पूछें अगर आपको कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं ऑल राइट सो स्टूडेंट्स मैं ग्रुप पे ये वीडियोस शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ उसको आप लोग ज़रूर से एक बार आपके फ्री टाइम में आज दिन भर में जब आपको टाइम मिले फ्री टाइम में वो शॉर्ट वीडियोस ही प्लीज़ देख लेना नहीं कुछ तो आप पूरा वीडियो ये वाला जूम मीटिंग ना भी देख रहे हो तो आप वो शॉर्ट वाला वीडियो देख सकते हो उससे भी आपको पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा वहाँ पे मैंने समझाया है वो सीरीज़ वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना वहाँ पे मैंने वो सीरीज़ वाला भी समझाया हुआ है यहाँ पर मैं पीडीएफ इसकी मर्ज नहीं कर पाया आज की पीडीएफ बनाते समय इसलिए वो इस पी में आया नहीं है नो वरीज अगली पी उससे स्टार्ट करेंगे और उसको एक बार और वहाँ पर क्लियर कर देंगे और सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर टूडेज़ क्लास सी यू इन द नेक्स्ट क्लास